नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया, राहुल को राहत। उच्चतम न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी एवं अन्य नेताओं को राहत प्रदान करते हुए निचली अदालत में पेशी से शुक्रवार को छूट दे दी। हालांकि इसने इन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की खंडपीठ ने कांग्रेस नेताओं की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की सभी आपत्तिजनक टिप्पणियों को भी निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। भारत विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं, राजनाथ। जेएनयू परिसर में एक आयोजन के दौरान कथित भारत विरोधी नारेबाजी में संलिप्त रहे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सिंह ने बताया कि यदि कोई भी भारत विरोधी नारे लगाता है, देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठाने की कोशिश करता है, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शून्य पर आउट हो गई पूरी टीम। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें दिन रहने पर कोई भी टीम गगनचुंबी स्कोर को खड़ा कर सकती है और कोई भी टीम ताश के पत्तों की तरह धराशायी भी हो सकती है। इंग्लैंड में एक ऐसे ही दुर्लभतम मैच के दौरान एक टीम के स्कोर का खाता भी नहीं खुला और वो जीरो के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में एक मुकाबले के दौरान क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी के खिलाफ खेलते हुए बैप चाइल्ड की टीम खाता खोले बिना ही मात्र 20 गेंदों के भीतर आउट हो गई। कांग्रेस इशरत जहां मामले में मोदी को फंसाना चाहती थी, वेंकैया। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को इशरत जहां मुठभेड़ मामले में फंसाना और परेशान करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने कृत्यों के लिए खुलेआम माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली के कल मुंबई की अदालत के समक्ष खुलासे के परिप्रेक्ष्य में नायडू की ये टिप्पणी आई है। हेडली ने अदालत में कहा था कि मुंबई के मुमरा में रहने वाली 19 वर्षीय लड़की वास्तव में लश्कर ए तैयबा की आतंकवादी थी। क्लिंटन तथा सैंडर्स के बीच तीखी नोकझोंक। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी पाने की होड़ कर रही हिलेरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स अपने अपने बचाव में लातिनी तथा अफ्रीकी मूल के अल्पसंख्यक मतदाताओं को गोलबंद करने की मुहिम चला रही हैं। इसी क्रम में नस्ल तथा आव्रजन के मुद्दे पर दोनों डेमोक्रेटिक नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मंगलवार को न्यू हैम्पशायर की प्राइमरी में सैंडर्स के हाथों बुरी हार का सामना कर चुकी हिलेरी अपनी चुनावी गति दोबारा पाने की कोशिश में है और वह खुद को ज्यादा तार्किक, व्यवहारिक और प्रगतिशील व्यक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही हैं। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।